नमस्कार, मैं कमलेश भट्ट और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं लालचंद शर्मा जी। उनसे हम बात करेंगे, जो आज यशपाल आर्या की घर वापसी हुई है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि एक चुनाव से ठीक पहले एक कैबिनेट मंत्री जो कल तक बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे वो फिर से कांग्रेस में वापस आ गए हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि एक खुशी की लहर होगी कांग्रेस में इसको लेकर। तो इस पर हम लालचंद शर्मा जी से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका दून प्राइम न्यूज़ में। नमस्कार। देखिए, यशपाल आर्या जी ने आज कांग्रेस परिवार में अपनी वापसी करी है। हम उनका स्वागत करते हैं और अपने हाईकमान का भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस समय में बहुत उचित निर्णय लिया। और यशपाल आर्या जी जो हमारे वरिष्ठ नेता रहे थे, पहले यहाँ से कांग्रेस में रहे हैं, उसके बाद वो किन्हीं कारणों से चले गए, लेकिन आज फिर उन्होंने घर में वापसी करी है। इससे एक तो ये बात साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये कह रही थी कि हाउसफुल का बोर्ड हमारे यहाँ लगा हुआ है, तो ये बात भी अब खोखली साबित हो चुकी है। दूसरा, दलित समाज को जो है एक और मजबूती यशपाल आर्या जी के कांग्रेस में आने से मिलेगी। हमारा ये मानना है कि जो कांग्रेस की विचारधारा है और जो कांग्रेस की नीतियाँ हैं वो और जो है मजबूत हुई हैं, और इसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य जो विकास में पिछड़ता चला जा रहा था, ये अब बिल्कुल तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से विदाई तय हो चुकी है। और इसीलिए आने वाले दिनों में जो चुनौतियाँ हैं उसका हम सब लोग मिलकर मुकाबला करेंगे, उत्तराखंड राज्य को विकास की ओर अग्रसर करेंगे। सर देखिए, खबर ये भी आ रही है कि कहीं और बीजेपी नेता भी कांग्रेस में आ सकते हैं, वो संपर्क में चल रहे हैं, कि कितनी सच्चाई है इसमें और है तो कब तक ये वापसी हो सकती है? देखिए, इसमें तो अभी समय का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि राजनीति में सबके दरवाजे खुले हैं। जब कोई आदमी अगर कांग्रेस परिवार के अंदर शामिल होना चाहता है और उसकी सोच है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सबको साथ लेने के चलने की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा जो है विकास की विचारधारा है, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सामाजिक सरोकारों को मजबूत करने की विचारधारा है, जो इन विचारधाराओं को मजबूत करना चाहेगा कांग्रेस उनका सबका स्वागत करेगी। तो क्या वो पुराने जो साथी आपके गए हैं उनकी वापसी हो रही है, होगी आगे, क्योंकि सर बातचीत तो आपकी चल रही होगी, तो पुराने साथी वापसी करेंगे या कुछ नए आ रहे हैं? ये मैंने कहा ना, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, हम सब उन लोगों का स्वागत करेंगे जो उत्तराखंड राज्य को विकास के मजबूत करना चाहते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल पर कितना असर पड़ेगा, इससे कितना फर्क पड़ेगा आपको लगता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो पहले ही से ऊंचा है, क्योंकि लगातार पिछले 4.5 साल से ऊपर हो गया कांग्रेस का कार्यकर्ता 2017 के बाद लगातार सड़कों के ऊपर उत्तराखंड राज्य के विकास की लड़ाई लड़ रहा है और उस पार्टी से लगातार लड़ाई लड़ रहा है जो सिर्फ जुमलेबाजी या झूठ वादे करने के बाद सत्ता में बैठी हुई है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो पहले से बहुत ऊँचा है, लेकिन आज यह है कि यशपाल आर्य जी के आने से बहुत सारे हमारे जो और लोग हैं उनका मनोबल भी बढ़ा है। तो ये थे लालचंद शर्मा जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल पहले से हाई था और अभी उनके आने के बाद ये और अधिक बढ़ा है। तो कांग्रेस में खुशी की लहर है यशपाल आर्या के घर वापसी के बाद, और कई और नेता भी अभी खबरें आ रही हैं कि वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। आज का दिन उत्तराखंड की कांग्रेस के लिए, उत्तराखंड के निवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे इस प्रदेश के बहुत ही होनहार वरिष्ठ जो पूर्व में कांग्रेस में थे, माननीय यशपाल आर्य जी ने पुनः घर वापसी की है अपने पुत्र के साथ। मैं इस मौके पर उनको और उनके सुपुत्र को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। यशपाल आर्य जी मूल रूप से कांग्रेसी विचारधारा के थे, लोकतंत्र प्रेमी हैं और वो हमारे प्रदेश के पूर्व में स्पीकर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, आज भी वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान होकर के जो आज एक देश के अंदर खतरा मटरा रहा है उसको समझते हुए उन्होंने लोकतंत्र में विश्वास करते हुए कांग्रेस पार्टी में पुनः प्रवेश किया है।
इसके लिए पूरे प्रदेशवासी, पूरे प्रदेश के कांग्रेस जन उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके आने से अब कांग्रेस को 2022 में सरकार में आने से कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। कांग्रेस भारी बहुमत से इस प्रदेश में सरकार बनाएगी। तो बने सुशील राठी जी हैं, क्योंकि कांग्रेस में वापसी हुई है यशपाल आर्या की, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है उनसे जानते हैं। तो सर, जो यशपाल आर्या की वापसी हुई है, घर वापसी हुई है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस किस प्रकार से देखती है उसे? देखिए, यशपाल आर्या जी की घर वापसी हुई है और हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो पहले भी कांग्रेस में बहुत साल रहे हैं, PCC के अध्यक्ष भी रहे हैं और माननीय हरीश सावंत जी के टाइम में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, लेकिन वो किन्हीं कारणों से चले गए थे। लेकिन अब भाजपा में जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि कांग्रेस कांग्रेस है, भाजपा भाजपा है, क्योंकि भाजपा की एक वो है कि घर के मालिक आप हो और कोठी कुटले को गांव की कहावत है हाथ मत लगाना। तो चाबी वो अपने पास रखते हैं, इनको कोई भी ऐसा वो नहीं दिया कि अपने क्षेत्र में काम कर सके। आदमी क्षेत्र में काम करेगा तभी जीत के आएगा। तो वहाँ सबकी स्थिति बड़ी डमाडोल हो रही है, क्योंकि भाजपा ने 4.5 साल तक कोई कार्य क्षेत्र में नहीं किया है। यहाँ तक कि जो घोषणा पत्र है उसको भी उठाकर नहीं देखा है। जो जनता से वायदे बड़े बड़े किए थे वो भी इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। लेकिन सर, यशपाल आर्या तो खुद कैबिनेट मंत्री थे, तो किस तरीके से वो काम नहीं कर पाए? नहीं तो यही तो है ना, जब अधिकार नहीं होगा मंत्री को तो कहाँ से वो कुछ करेंगे। मंत्री ने सब मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में ले रखा है, और भाजपा ने सिर्फ 3-3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है उत्तराखंड में। कोई कार्य तो यहाँ किया नहीं है ऐसा, कोई कार्य किया हो तो दिखाएं। जो माननीय हरीश रावत जी ने जो योजनाएं उस टाइम चलाई थी वो सबको बंद करने का कार्य किया है। जो जन लोगों की समस्याएं थी, हर एक छोटे से छोटे जो गाँव के लोग हैं उनके लिए भी योजनाएं थी, लेकिन उन्होंने सब जो है बंद कर दी गई और सिर्फ एक मुख्यमंत्री बदलने का काम किया हुआ, पूरी काम जो है भाजपा ने जो है नहीं किया है। तो इसलिए जो है अब जो है नेताओं का अपना भविष्य जो है BJP नज़र नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से एक जहाज जो है समुद्र में डूबने को होता है और वहाँ से निकल कर सब भागते हैं, तो भाजपा से अब सब इसी तरीके से भागेंगे। काफ़ी लोग संपर्क में हैं और बहुत जल्द और लोग भी जो है कांग्रेस में आने वाले हैं। तो यही इसी बात से सवाल है कि कौन वो लोग हो सकते हैं, क्या आपके पुराने साथी होंगे या कुछ नए चेहरे भी आप कांग्रेस में ला रहे हैं इस बार? देखिए, ये तो समय के उसमें है, अभी किसी का खुलासा करना सही नहीं है, लेकिन उसमें नए भी हैं पुराने भी हैं। हाँ बिल्कुल आएंगे, बहुत जल्द जो है आएंगे। यहाँ जो है भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। ये परिवर्तन यात्रा में भी हमने 2 जिलों में की है, बहुत अच्छा जन सैलाब जो है सड़कों पे उतरा है और भाजपा से यहाँ पूरा प्रदेश बहुत दुखी है, परेशान है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े किसानों से वादा किया था कि आपकी आमदनी 2 गुना करेंगे, आपके कर्जे माफ़ करेंगे। युवाओं से उन्होंने वादा किया 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो जो रोजगार देने का वादा वो छीन लिया गया है। महंगाई कहा था 100 दिन में कम करेंगे और आज स्थिति ये है कि जो है महंगाई आज जो है पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, गैस 1000 पार हो गई। तो ये सब जो है लोग परेशान हैं, युवा परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, गृहिणी परेशान है। तो इस सरकार से कोई संतुष्ट ही नहीं है, इनके कुछ लोग हैं जो संतुष्ट हैं, बाकी सब इनकी दो वो चल रही है कि हम दो में आपके जो है मोदी जी और अमित शाह जी हैं और उनके 2 अडानी अंबानी जी हैं, बाकी कोई कहीं कुछ संतुष्ट नहीं है। जो वो चाह रहे हैं इस सरकार को ही वो चला रहे हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं है। हम दो का आरोप तो आप पे भी लगाते हैं, कांग्रेस पे भी, कि यहाँ सिर्फ गांधी परिवार की ही चलती है करके। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जब सारे प्रदेश में जो जहाँ हैं, जो अध्यक्ष हैं हमारे प्रदेश के, वो सब उनके नेतृत्व में कार्य होता है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं गलत आरोप है, ये सब भाजपा वाले बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सब आज़ाद हैं, सब अपना काम करते हैं, सब मजबूती से जो है कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं। 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी। कार्यकर्ता ही समझ लेते हैं हम आपको, तो बताइए कि कार्यकर्ताओं में इससे कितना असर पड़ेगा, कितना फर्क दिखता है आपको, कितना उत्साह बढ़ेगा कार्यकर्ताओं का इससे, जो वापसियां हो रही हैं? आज माननीय श्री यशपाल आर्य जी की घर वापसी हुई है, इससे साफ हो गया है उत्तराखंड राज्य में कि भाजपा से दलितों का मोह भंग हो गया है, दलितों का वहाँ पर कोई भविष्य नहीं है, दलितों की वहाँ पर कोई पूछ नहीं है, जिसके तहत वो ऑक्सीजन पे चल रहे थे, भाजपा में चले जरूर गए थे मगर उनकी मन मस्तिष्क सब कांग्रेस में पड़ा था। आज वो
ऑक्सीजन हटा के अपने घर वापसी आए हैं। सुबह को बोला, शाम को जो घर लौटे आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आज वो यहाँ पर अपने घर वापसी आए हैं, तो कहीं ना कहीं फैक्ट जरूर है माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में यशपाल आर्य जी के घर वापस आने पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और हम लोग पूरे प्रचंड बहुमत से या 2022 में राज्य में कांग्रेस सरकार रावत जी के नेतृत्व बनाएंगे। देखिए, अब सरकार आती है या नहीं आती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यशपाल आर्य की घर वापसी से उत्साहित जरूर दिख रही है कांग्रेस, और ये होना भी है क्योंकि एक पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, और चुनाव से पहले अगर कोई विपक्षी पार्टी का कैबिनेट मंत्री अगर पार्टी छोड़ के उनके दूसरी पार्टी में आ जाए तो उनका खुश होना बनता है। बाकी आगे भी खबरें चल रही हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस में